फतेहाबाद में बीजेपी नेता के बाद अब जेजेपी नेता भी किसानों का समर्थन करते हुए दिखाई दिए। जिले के गांव बीराबदी में हुई पंचायत में जननायक जनता पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष अजय संधू ने किसानों को समर्थन देने की बात कही। अजय संधू राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से अपील करते हुए नजर आए कि पार्टी के लोग किसानों के हकों के लिए अपनी आवाज उठाएं और किसानों का साथ दें। फतेहाबाद में किसान आंदोलन के समर्थन में बीजेपी के बाद अब जननायक जनता पार्टी के नेता भी खुलकर सामने आ रहे हैं। गांव दौलतपुर में जहां पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने बीजेपी छोड़कर किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया, वहीं गांव बीरावादी में एक पंचायत हुई जिसमें जननायक जनता पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष अजय संघू ने पंचायत में पहुंचकर किसानों को समर्थन देने का ऐलान किया। बीरावादी दे विच सर्वदलिया बैठक हुई जिथे सारे ही पिंड दे नौजवान, सारे ही पिंड दे बुजुर्ग, सारे ही पिंड दा कमेरा वर्ग, किसान जिहड़े दुकानदार भरा सारे इकट्ठे होए ते उन्हां ने जो भी दिल्ली दे विच पिछले दिनां दे विच होया ओह तों रोस प्रगट किया ते उन्हां ने सारिआं ने यह फैसला लिया कि सारे आपदे राजनीतिक पार्टियां तों उपर उठ के जिहड़ा किसान संघर्ष चल रहा उहदे साथ दईए, जिहड़े किसान संघर्ष दिल्ली जा उहनूं कामयाब करन वास्ते आपां दिन रात मेहनत करिए ते उह सब कुछ लै के सारे पिंड ने इकट्ठा करके अज बीराबद्दी पिंड दे विच इक बहुत वड्डा जथा दिल्ली वास्ते रवाना कीता जिहदे विच समग्री भी जाऊगी। इस दौरान जननायक जनता पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष अजय संघू ने कहा कि आज किसान और भाईचारे को बचाने के लिए सभी लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, इसलिए राजनीतिक पार्टियों का भी दायित्व बनता है कि सभी लोग किसानों की आवाज बने और किसानों के आंदोलन में शामिल होकर किसानों के हक के लिए आवाज उठाएं। वहीं जननायक जनता पार्टी नेता अजय संघू ने सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो पार्टी से ऊपर उठकर किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद करें। मतलब कि हर बंदा किसान दे नाल जुड़िया होया ते सरकारां नूं इह चाहीदा, चाहे हरियाणा सरकार आ, चाहे सेंटर दी सरकार आ, चाहे मोदी सरकार आ, इन्हां नूं इह चाहीदा कि जो भी किसानां दे हक आ, जो भी किसानां दे उल्ट जो सरकारां ने फैसले उह वापस लैण। कम्म तां सेंटर सरकार दा बंदा, पर असीं हरियाणा सरकार नूं अपील करदे हां। कृषि कानूनों को लेकर जहां बीजेपी में पहले से ही कुछ नेताओं के बगावती सुर उठ रहे थे, वहीं अब जननायक जनता पार्टी में भी नेता खुलकर किसानों के समर्थन में आगे आ रहे हैं। अब देखना होगा कि पार्टी नेताओं का किसानों के समर्थन में योग खुलकर सामने आने से बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन पर क्या असर पड़ता है। टोटल न्यूज के लिए फतेहाबाद से रमेश भट्ट की रिपोर्ट।